ऐलान है क्या शाहीन बाग वाला प्लान है? सवाल बना हुआ है, इसी पे करेंगे बड़ी बहस। जुड़ गया हमारे साथ कई खास मेहमान, परिचय करवा दे सबसे पहले आपसे। धनंजय गिरी जुड़ रहा है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, विनोद बंसल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ बीएसपी के प्रवक्ता, इसके अलावा तनिष कुरैशी प्रवक्ता AIMIM, मनन पुरोहित जी कांग्रेस के से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ देर में जुड़ जाएंगे संगीत जवाद राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत में करूंगी संगीत जवाद जी आपके साथ, क्या शाहीन बाग वाले प्लान के जरिए एक चुनी हुई सरकार को भीड़ के दम पर उखाड़ फेंकने का प्लान है ये? सवाल में कई जवाब दिए जी। पहला ये कि शाहीन बाग आंदोलन संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए पूरा प्रोटेस्ट था। और कोविड में जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, क्योंकि मैं उस आंदोलन से जुड़ा भी रहा, और जिस तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन और अपने हक की आवाज रखने का आंदोलन था, ऐसी नजीर पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलती। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी आप कह रहे थे भड़काऊ बयान, ठीक है आपको लग सकता है और इसके लिए कानून हमारे देश में है, सरकारें हैं तमाम की, लेकिन मस्जिद में घुस करके मारे लग रहा सही जवाब, ये इसमें कुछ आपको भड़काऊ नहीं लग रहा? बिल्कुल बिल्कुल, मस्जिद में घुस कर तब तक मारो, इतना मारो जब तक वो मर ना जाए। आरएसएस आतंकी संगठन है, सड़कों पे उतरो, लाखों की संख्या में उतरो। अच्छा एक मस्जिद में घुस करके मारेंगे, ठीक है। नीतीश राणा बयान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज तक खंडन नहीं आया और अभी भी उनको संरक्षण मिला, वो पुलिस वालों को, पुलिस प्रशासन को धमकी देते हैं, आज तक भड़काऊ बयान आपने कभी डिबेट करके ही नहीं कहा कि हाँ ये भड़काऊ बयान है, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कितनी कार्रवाई सर, और तमाम सबके लिए बराबर है, करने वाले लोग भी मौजूद हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात, अगर कोई असंवैधानिक काम कर रहा है, चाहे तौकीर रजा करे, चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर बैठा हुआ कोई साधु संत का चोला ओढ़ के कर रखा है, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे, कोई भी करे, जो भी संविधान के विरुद्ध जाके काम करेगा, जो कानून के को अपने हाथ में लेकर के करना चाहेगा या भड़काना चाहेगा, कार्रवाई होनी चाहिए, कोई लाग लपेट नहीं, चाहे कोई मौलाना करे, चाहे कोई साधु संत करे, संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता, ना मैं हो सकता हूँ, ना आप हो सकते, ना भारतीय जनता पार्टी, ना सरकार, ना कोई। अगर कानून के ऊपर कोई नहीं है, भड़काओ और कानून के तहत अगर जो कोई भी प्रदर्शन करेगा उसको परमिशन मिलती है, और अगर कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा तो कार्रवाई होगी और इसके बाद विक्टिम का खेला जाएगा, तो आजादी है। मैं जा रही हूँ विनोद बंसल जी आपके पास आ रही हूँ मैं, ये शाहीन बाग वाला प्लान फिर से रेडी करने के पीछे का प्लान क्या समझ में आ रहा है आपको? अरे भाई वो कह रहे कि संविधान है देश में, ठीक है कानून है देश में, अच्छी बात है संविधान है कानून है, तो अगर आपकी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कहना चाहते हैं आप, तो उसके तरीके हैं, चुनाव में जाइए, चुनाव लड़िए, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन है, लेकिन आंदोलन करने को लेकर किस तरीके से आह्वान करना, क्या देश का माहौल खराब करने जैसा नहीं है? हिंदुओं के विरुद्ध जो है विश्वभ्रमण करके मुस्लिम लड़कों को ये प्रेरित कर रहे हैं कि कमर में बारूद बांधिए और विस्फोट होकर के मर जाइए और खुद लोगों को मारिए। अब देखिए ये इस तरह की जो मनस्थिति है ना जी, ये मनस्थिति से कोई हिंदू समाज का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, समझ लीजिए। हिंदू समाज अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क है, हम जानते हैं कि कैसे निपटना है ऐसे मौलानाओं से। लेकिन बात यह कि ये जो इस्लाम के जो अपने आप को अलंबरदार समझते हैं, जो जो ये मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता हैं और जो बाकी अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, वो ये समझ क्यों नहीं रहे, मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसे मौलानाओं के कारण ही इस्लाम की जो ग्लोबल छवि बन रही है, आतंकवादी छवि, क्या आप एक तरफ तो जो है ना वो जिहादी आतंकवाद जो है ये पैगंबर के नाम पर, इस्लाम के नाम पर चल रहा है, उसका ये कभी खंडन नहीं करते, और ऐसे मौलाना जो लगातार मॉब लिंच के लिए उकताते हैं उस पर मौन साध जाते हैं, आखिरकार ये इनकी जो चाल चरित्र चेहरा बताता है, ये जिस तरह से ये इसका कवर फायर देने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम सबकी निंदा करते हैं, लेकिन इस मौलाना की निंदा की बात नहीं की इन्होंने,
मजे की बात यही है, अपने आप को स्कॉलर तो कहते हैं लेकिन काम सैयद जवाद जी, हैरानी की बात दरअसल ये है कि शाहीन बाग जिस मुद्दे को लेके किया गया था, क्या वो हुआ वैसा? और क्या आपको नहीं लगता है कि अगर देश का माहौल खराब होगा तो जद में आप भी आएंगे, आपके लोग भी आएंगे? जब देश का माहौल खराब होगा तो हर कोई देश के अंदर रह रहा है, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, बजाय इसको डिफेंड करने के बजाय ये कहने की भाई ऐसे बयान देना ठीक नहीं है, उल्टा आप ये कह रहे हैं कि बाकी लोग भी देते हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम आपके पास आऊंगी, बाकी लोगों के पास जाती हूँ, आपके पास वापस लौट के आऊंगी, मैं बाकी लोगों के पास जाती हूँ। आंदोलन शाहीन बाग जैसे, अरे शाहीन बाग से क्या कर लिया आपने लोगों को, भड़काने की क्या कर लिया, और संविधान को बचाने के लिए होते रहना चाहिए। संविधान कहाँ खतरे में है सर, देश का कहाँ खतरे में, जहाँ संविधान बचाने चले हैं आप लोग, संविधान कहाँ खतरे में है देश में? संविधान है, कानून है, उसके तहत कार्रवाई हो रही है, देश में शांति है, और संविधान बचाने के नाम पर क्या करना चाहते हैं आप आंदोलन बुला करके? और उनके आंदोलन से सरकारों को डरना चाहिए, चाहे किसान आंदोलन, संविधान बचाने के नाम पर क्या करोड़ों मुसलमानों को सड़कों पर उतार करके क्या करना चाहते हैं आप? फिर तंत्र क्या करना चाहते हैं संविधान बचाने के नाम पर? नेताओं को जनता से डर करके चलना चाहिए, जो नेता बैठते हैं उनको जनता से डरते रहना चाहिए। सरकार से नाराजगी अलग मुद्दा है, सरकार से कुछ मांगे मनवाना अलग मुद्दा है, लेकिन इसके लिए फिर तंत्र का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। शायद जवाद जी इस बात को मानिए। दानिश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, दानिश कुरैशी जी, दानिश जी क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे देश का माहौल खराब होगा, जिस देश में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, आपके सांसद भी है पार्टी के, क्या वो काफी नहीं अपनी बात रखने के लिए, मांगे मनवाने के लिए, क्या जरूरत है इसके लिए भीड़ तंत्र बुलाने की? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले दो चीजें समझ लेने की जरूरत है, इस देश में दो चीजें हैं, एक कानूनन जायज और एक कानूनन नाजायज। अब सवाल यह है कि अगर आप तौकीर रजा की बात कर रहे हैं और अगर उनकी कोई भी तारीख आई है या कोई भी वक्त उन्होंने दिया है तो उसका सारा प्रोसेस होगा, जाके उन्होंने जिस लोकेशन का वो हवाला दिया है वहां जाकर पुलिस परमिशन ली जाएगी, सारा प्रोसेस किया जाएगा, कानूनी प्रोसेस होने के बाद ही उन्हें ये परमिशन मिलेगी। दिक्कत ये है कि उन्होंने जो बात कही है मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने कही है जिस तरीके के हालात हैं और उसके विरोध की बात है, तो मुझे लगता है कि देखिए हटाने के लिए तो लोकतंत्र का जो तरीका था उस तरीके से सरकार बनी, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि शायद मैं मुझे कुछ ख्याल नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा कि इस पूरे मामले को लेकर अदालत भी जाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार रास्ते काम कर रही है, लेकिन भीड़ तंत्र का रास्ता जो होगा वो कितना खतरनाक होगा इस बात का अंदाजा है किसी को? खैर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, वरुण पुरोहित जी जरा आप इस पर सामने आ जाइए। जिस तरीके से तौकीर रजा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था 2012 में, और हालांकि बाद में वो पार्टी से अलग हो गए, तो उन्होंने खुद की पार्टी बना ली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का समर्थन रहा, उसका समर्थन आपको भी रहा है, कांग्रेस को भी रहा है समाजवादी पार्टी का, ऐसे मौलाना के जरिए देश का माहौल खराब करने का क्या प्रयास नहीं किया जा रहा है एक तरीके से? अगर उतरते समय सड़कों पर तो देश का माहौल क्या होगा, भीड़ तंत्र क्या कर देगा, इस बात का आइडिया है आपको? देखिए लोकतंत्र में भीड़ तंत्र, जो आप शब्द का उपयोग कर रहे हो, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी उसका अंग ही है, आंदोलन करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, अपनी वॉइस को रेज करना, ये डेमोक्रेटिक राइट्स है। लेकिन आप जो बात कर रहे हो भड़काऊ भाषण देना, ये देना उसके लिए लीगल, हमारे पास सब कानून में धाराएं बनी हुई है, जो लोकल प्रशासन है अगर आपने जिनका नाम ले रहे हो उन्होंने कोई ऐसा भाषण दिया या ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया जो देश के खिलाफ है, गैर संवैधानिक है, इलीगल है, तो प्रशासनिक जो लोकल प्रशासन है उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए, मुकदमा दर्ज करना चाहिए। अगर लोकल प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा है तो या तो वो सोया हुआ है या उनका जो बयान है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या एंटी लॉ नहीं है, ये दोनों चीज देखने की बात है। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, देश में लोकतंत्र है, आपको अधिकार है आंदोलन करने का सब तरह का, अगर आंदोलन ही नहीं होंगे, अपनी वॉइस रेज नहीं करोगे तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। तो बेसिक बात यह है कि जो लॉ के एक दायरे के अंदर अगर बयान दिए जाते हैं तो वो स्वागत होता है उसका लोकतंत्र में, उसके बाहर अगर आप दायरे के बाहर जाते हो तो आपके पास कानून बने हुए हैं, लोकल प्रशासन उसको संज्ञान लेना चाहिए, और लोकल प्रशासन संज्ञान ले रहे हैं जब भी आप डिबेट कर रहे हो, इसका मतलब लोकल प्रशासन टोटली फेल हो रहा है, लोकल प्रशासन की ड्यूटी होती है। कार्रवाई करेगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कहेंगे कि देखो आवाज दबाई जा रही है हमारी। लेकिन सर देखिए देश में आंदोलन होते रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, अलग अलग मुद्दों पर राज्य में प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन सरकार को गिराने के नाम पर आह्वान करना आंदोलन का, ये आपको जायज लग रहा है कहीं से? खैर मैं आपके पास लौटूंगी। इस बीच बड़ा बयान आ गया है शहनाज हुसैन का भड़काऊ बयानबाजी को लेकर के, उनकी ओर से कहा गया कि तौकीर रजा पर कानूनी कार्रवाई की उनकी ओर से मांग की गई, और ये कहा गया कि ऐसे भड़काऊ बयान जो है वो
कहीं से भी जायज नहीं है, ऐसे मौलाना पर कार्रवाई होनी चाहिए। धनंजय गिरी जी, मैं आपके पास लौटूंगी, पहले ये बयान सुन लीजिए। रजा खान बहुत दिनों से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उनका कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला है। कौन कितना ज़्यादा सख्त बोल सकता है बीजेपी पे, पीएम पे, संघ पे, वीएचपी पे, और वो इस तरह का बयान देकर यूपी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है योगी जी के रहते। जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, सख्त कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। सुना आपने किस तरीके से कार्रवाई की मांग की जा रही है यहाँ पे। धनंजय गिरी जी, 30 सेकंड में अपना जवाब दे दीजिए, फिर मैं आप बाकी लोगों के पास जाऊंगी। आप तक आवाज पहुंच रही है धनंजय गिरी जी? ठीक है, ठीक है।